हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिन्हा फैमिली। तो देखिए, सर्दियाँ आ गई है और अभी हम यहाँ पे कार्डिगन्स और स्वेटर्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक पहला जो डेजी फ्लावर का जो कार्डिगन है वो शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं एक नोट बनाऊँगी। पहले हम जो ग्रेनी स्क्वायर है उसको बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर 7 चेन लूँगी। नोट बनाने के बाद 7 चेन लेने के बाद जो पहला चेन हमने लिया है वहाँ पे हम इसको स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह, ठीक है। तो ये राउंड हो गया। इसके बाद अभी हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे। इस 3 चेन को हम डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे, देन और 11 डबल क्रोचेट लेंगे, ठीक है। इसी राउंड के अंदर हमें और 11 डबल क्रोचेट लेना है, तो टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोचेट होगा। ये देखिए इस तरह। फिर जो हमने 3 चेन लिया है उस पर जो 3rd चेन है वहाँ पे हम इसको स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन करेंगे। ये राउंड हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। देन 1 चेन लेंगे और इसको कट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद हम दूसरा जो कलर है उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके बाद वाइट कलर को यूज़ कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमें किसी भी एक डबल क्रोचेट के ऊपर ये जो वाइट कलर का जो धागा है इसको ज्वाइन कर देंगे स्लिप नॉट के साथ। देखिए ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी और इसको ट्रिपल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। देन यहाँ पे मैं 2 और ट्रिपल क्रोचेट लूँगी इसी डबल क्रोचेट के अंदर। देखिए इस तरह। देन इस तरह। देन ये देखिए, ये जो 3 जो यहाँ पे लाइन है इसको एक साथ हम धागे को इस तरह बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। देन मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी। लेने के बाद फिर से जो नेक्स्ट डबल क्रोचेट है उसके ऊपर यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे एक साथ। ये देखिए इस तरह, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। 3 ट्रिपल क्रोचेट एक साथ बनाएंगे, ये देखिए। देन सारे धागों के अंदर से हम धागे को खींच के निकालेंगे इस तरह, ठीक है। देन यहाँ पे 2 चेन, फिर से नेक्स्ट जो डबल क्रोचेट है उसके ऊपर 3 ट्रिपल क्रोचेट इस तरह बनाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे टोटल 12 ट्रिपल क्रोचेट का घर होगा। ये देखिए टोटल यहाँ पे 12 है। देन हम लास्ट में इसको फिनिश करेंगे। 2 चेन लेंगे। लेने के बाद जो पहला हमने 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाया था वहाँ पर स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन करके कम्प्लीट करेंगे इस राउंड को। ये देखिए इस तरह स्लिप नॉट लेंगे और 1 चेन लेके इसको भी कट कर देंगे। देन मैं नेक्स्ट कलर को यूज़ करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैं येलो कलर को यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं ये जो 2 चेन का गैप है किसी भी एक गैप के अंदर हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप नॉट के साथ इस तरह। देन मैं यहाँ पे 3 चेन लूँगी, ठीक है। ये देखिए, देन इसके अंदर मैं भी 2 और 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाऊंगी इसी 2 चेन के गैप के अंदर इस तरह। इसको कंप्लीट करेंगे ये, ठीक है। ये देखिए एक और ये दूसरा। देन अभी हम 1 और 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे इस तरह, ठीक है। यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोचेट हुआ। देन जो नेक्स्ट जो 2 चेन का गैप है उसके अंदर अभी मैं 3 डबल क्रोचेट बनाऊँगी। ये देखिए इस तरह टोटल यहाँ पे हमारा 12 घर है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। देन नेक्स्ट में फिर से 3 डबल क्रोचेट। ये देखिए इस तरह जो 2 चेन का गैप है उसी में हम बनाते जाएंगे। देन अभी जो नेक्स्ट जो 2 चेन का गैप है ये देखिए 2 डबल क्रोचेट का घर बनाया है मैंने। अभी नेक्स्ट में अभी 3 ट्रिपल क्रोचेट का घर बनाएंगे। यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे एक साथ। ये देखिए पहला, दूसरा एंड देन अभी हम तीसरा बनाएंगे ये इस तरह। देन अभी मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी। 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाने के बाद 2 चेन लेंगे, ये देखिए। देन उसी गैप के अंदर 3 और 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 6 ट्रिपल क्रोचेट होगा बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए। ये देखिए इस तरह, ठीक है। तो इसी को हमें कंटिन्यू करना है। ये फिर से हमें 2 डबल क्रोचेट का घर बनाना है। नेक्स्ट जो 2 चेन का गैप है उसके अंदर 1 और नेक्स्ट के अंदर 1, ठीक है। तो इसी तरह हमें बनाते जाना है 6 डबल क्रोचेट बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए और देन 2 डबल क्रोचेट का घर। फिर से हमें 6 ट्रिपल क्रोचेट का घर बनाना है 2 चेन का गैप रखते हुए। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ये देखिए इस तरह।
तो पहला जो हमने ट्रिपल क्रोचेट का 3 बनाया था उसमें हम अभी लास्ट में फिनिशिंग करेंगे। इसमें मैं फिर से, ठीक है, यहाँ पे 6 होगा ना, तो यहाँ पे हम फिर से 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे यहाँ पे इसी के अंदर जो पहला बनाया था। देन 2 चेन लेंगे, 3 ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए दूसरा और ये अभी तीसरा। बनाने के बाद अभी हम यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद जो हमने पहला 3 चेन लिया था उसमें जो तीसरा चेन है उसमें हम इसको स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन करेंगे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट राउंड को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं फिर से 3 चेन लूँगी और इसको डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे इस तरह। देन हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाती जाऊँगी, तो टोटल यहाँ पे 12 डबल क्रोचेट होगा। तो चलिए बना लेते हैं, हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोचेट बना लिया है मैंने। देन अभी जो ये 2 चेन का गैप है यहाँ पे अभी हम ट्रिपल क्रोचेट बनाएंगे। तो पहले राउंड में हमने 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाया था बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए। अभी इसी 2 चेन के गैप के अंदर हमें 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाना है बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए। ठीक है, तो 2 ट्रिपल क्रोचेट पहले बना लेंगे, ये देखिए पहला और ये दूसरा। ठीक है, 2 ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे इस तरह। देन अभी हम क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, उसी गैप के अंदर फिर से 2 और ट्रिपल क्रोचेट बना लेंगे। ठीक है, तो पहले राउंड में हमने 6 ट्रिपल क्रोचेट बनाया था बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए। इस राउंड में हमें 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाना है बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए। ठीक है, देन फिर से हमें यहाँ पे 12 डबल क्रोचेट बनाना है और फिर से 2 चेन के गैप के अंदर हमें 4 ट्रिपल क्रोचेट बनाना है बीच में 2 चेन का गैप रखते हुए। तो इस तरह इसको बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है। देन अभी हम जो पहला 3 चेन लिया था उसमें जो तीसरा चेन है उसमें एक स्लिप नॉट लेंगे और एक चेन लेके इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रेनी स्क्वायर है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप चाहो तो इसको थोड़ा और बड़ा करने के लिए आप एक और राउंड बना सकते हो, पर मैं इसको यहीं तक बनाऊँगी। ठीक है, तो इस तरह मैं यहाँ पर टोटल 56 ग्रेनी स्क्वायर बनाऊँगी। ठीक है, 56 जो ग्रेनी स्क्वायर है उसको बना लूँगी इस तरह। देखिए मैंने बना के रेडी कर लिया है, तो चलिए इसको भी ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सजा लिया है, इसको कैसे ज्वाइन करना है। ये फ्रंट साइड है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, बैक साइड, फ्रंट साइड और दो हाथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बैक साइड में लिया है टोटल 20 ग्रेन स्क्वायर और जो फ्रंट साइड है उसमें मैंने 8-8 करके लिया है। ठीक है, ये देखिए, और हाथ के लिए भी मैंने यहाँ पे 12 ग्रीन स्क्वायर लिया है दोनों तरफ, यानी टोटल 24 लिया है। तो टोटल यहाँ पे मैंने 56 ग्रीन स्क्वायर बनाया है। तो चलिए इसको ज्वाइन करते हैं। ये देखिए कैसे ज्वाइन करना, मैं आपको यहाँ पे एक बता देती हूँ। इन दोनों ग्रीन स्क्वायर को हमें फ्रंट साइड को एक ही साइड रख के, ये जो बैक साइड है ये देखिए फ्रंट साइड एक ही तरफ होगा इस तरह, और ये जो बैक साइड है ये इस तरह होगा। ठीक है, तो अभी हमें इसको ज्वाइन करना है। ये देखिए ये जो 2 चेन का गैप है इसको हम पहले एक साथ ज्वाइन करेंगे एक स्लिप नॉट के साथ, ये देखिए इस तरह। ठीक है, दोनों तरफ में जो डबल क्रोचेट है डबल क्रोचेट को एक तरफ ले जाएंगे इस तरह। ठीक है, देखिए इसको ज्वाइन करेंगे और इस तरह हम सारे ग्रेन स्क्वायर को ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरह सिंगल क्रोचेट के साथ हर एक डबल क्रोचेट को हम ज्वाइन करते जाएंगे। ठीक है,
तो ये देखिए फिर से मैं दो और ग्रीन स्क्वायर को इस तरह ज्वाइन करती जाऊंगी। तो इसी तरह हम ये पूरा जो ग्रीन स्क्वायर है इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। इसको ज्वाइन करने के बाद हम ये बैक साइड और फ्रंट साइड को एक साथ ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको इस तरह ज्वाइन करके कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड होगा इस तरह। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर लिया है, ये बैक साइड है और अभी हम इसके साथ फ्रंट साइड को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो फ्रंट साइड और बैक साइड को ज्वाइन करने के टाइम इन दोनों का जो फ्रंट साइड है वो नीचे तरफ रहेगा एक साथ, ठीक है, जैसे ग्रीन स्क्वायर को कहते हैं ये देखिए, और जो उल्टा साइड है वो ऐसे रहेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो इसको हम ज्वाइन करेंगे अभी, इसका जो शोल्डर पार्ट है इसको हम ज्वाइन करेंगे, ये देखिए। तो इसका जो ये शोल्डर पार्ट है इसको हम ज्वाइन करेंगे दोनों तरफ से, जैसे ग्रीन स्क्वायर को ज्वाइन किया था बिल्कुल सेम तरीके से इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए फटाफट इसको ज्वाइन करके कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है, सेम तरीके से मैं दूसरे साइड में भी ज्वाइन कर लूँगी। यहाँ पे एक चेन लेंगे और इसको कट कर देंगे, ठीक है, इस साइड में। अभी मैं दूसरे साइड को भी इस तरीके से ज्वाइन करके रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों साइड को ज्वाइन कर लिया है, ये फ्रंट साइड होगा, ठीक है, और दूसरा वाला उल्टा साइड होगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने हाथ को ज्वाइन किया था, हाथ के लिए ये वाला हिस्सा, इसको हम इसके साथ अभी ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये देखिए दोनों हिस्सा, तो अभी एक साइड को मैं आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो शोल्डर वाला पार्ट है, हमने जहाँ पे शोल्डर को ज्वाइन किया था दोनों साइड को, तो वहाँ पर ये जो हाथ है इसका बिल्कुल बीचों बीच हिस्सा वहाँ पे ज्वाइन होगा इस तरह। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जो शोल्डर वाला पार्ट है बिल्कुल वहाँ पर ये ज्वाइन होगा इस तरह बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी एक मार्कर लगा लूँगी, तो अभी हम इसको इस तरह कर लेंगे। ये देखिए इन दोनों को अभी हमें उल्टे साइड में ही ज्वाइन करना है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे एक मार्कर लगा दूँगी ताकि हमें समझने में आसानी हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आगे ऐसी और भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलिए अभी इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्कर लगा दिया है, ठीक है। तो अभी हम इसको, ये जो दोनों फ्रंट साइड है इसको एक साथ करेंगे और जो उल्टा साइड है उसको ज्वाइन करते जाएंगे। उल्टे साइड में ज्वाइन होगा जैसे ग्रीन स्क्वायर को किया था उसी तरीके से। ये देखिए दोनों फ्रंट साइड को एक तरफ करेंगे और ये जो बैक साइड है ये दोनों एक साथ होगा, ठीक है। तो चलिए इसको ज्वाइन करना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है, और अभी मैं यहाँ पे एक चेन लूँगी और इसको कट कर दूँगी। देन हम अभी ये जो हाथ का हिस्सा है इसको हम हाथ को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ये हाथ को हमने जो कार्डिगन है उसके साथ ज्वाइन किया था, अभी हाथ का ये वाला जो पार्ट है इसको हम ज्वाइन करेंगे कार्डिगन के साथ। तो यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है,
ये वाला हाथ का ये वाला हिस्सा और कार्डिगन का ये वाला हिस्सा भी एक साथ ज्वाइन किया है। अभी हम हाथ का ये वाला पार्ट बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले सिंगल क्रोचेट का एक राउंड बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैं पहले सिंगल क्रोचेट का एक राउंड बनाऊंगी। तो इसको हम पहले सीधा कर लेंगे, इसको सीधे साइड में ही बनाएंगे। अभी तक हम पूरा जो कार्डिगन है इसको पूरा हम उल्टे साइड से बना के आ रहे थे, ताकि जो इसको ज्वाइन करने का पार्ट है वो अंदर ही रहे और बाहर इस तरह दिखे। तो अभी हम हाथ का ये वाला जो पार्ट है इसको हम अभी बनाएंगे, इसको हम फ्रंट साइड में ही बनाएंगे, ठीक है। तो किसी भी एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोचेट का एक राउंड बना लेंगे। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बना के राउंड कम्प्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। तो नेक्स्ट राउंड के लिए यहाँ पे जो पहला जो हमने सिंगल क्रोचेट लिया था वहाँ पे मैं स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन करूँगी। नेक्स्ट राउंड में मैं यहाँ पे अभी टोटल 10 चेन लूँगी, ठीक है। आपको जितना बड़ा या छोटा करना है आप उस हिसाब से बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। 10 चेन लेने के बाद मैं एक और चेन लूँगी, तो टोटल यहाँ पे 11 चेन हुआ। देन जो दूसरा चेन है, ठीक है, वहाँ से मैं एक एक करके सिंगल क्रोचेट बनाते जाऊँगी इस तरह। तो टोटल यहाँ पे 10 सिंगल क्रोचेट होगा। ये देखिए, हर एक चेन के अंदर एक एक करके सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे टोटल 10 सिंगल क्रोचेट हुआ। देन हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमने सिंगल क्रोचेट का एक राउंड बनाया था यहाँ पे देखिए, बनाने के बाद जो ये पहला सिंगल क्रोचेट है इसको स्किप करेंगे और जो दूसरा सिंगल क्रोचेट है वहाँ पे हम इसको स्लिप नॉट के साथ ज्वाइन करेंगे इस तरह, ठीक है। ये देखिए, देन हम क्या करेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोचेट को यहाँ पे स्किप करेंगे और जो दूसरा सिंगल क्रोचेट है ये देखिए वहाँ पे एक स्लिप नॉट लेंगे। लेने के बाद इसको हम उल्टा करेंगे, फिर से टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो 10 सिंगल क्रोचेट बनाया है हर एक के ऊपर फिर से एक एक करके सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। तो टोटल यहाँ पे 10 सिंगल क्रोचेट फिर से बनाना है। तो सेम तरीके से इसी को हमें रिपीट करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर टोटल 10 सिंगल क्रोचेट होगा। होने के बाद हम अभी क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह, फिर एक चेन लेंगे, फिर से हम इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद फिर से 10 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे हर एक के ऊपर एक एक करके। ये देखिए, जो बेक लूप है उसके अंदर बनाना है। ये देखिए, बेक लूप को इस तरह करके हमें यहाँ पे 10 सिंगल क्रोचेट बनाना है। ये देखिए, फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पहला सिंगल क्रोचेट है ये देखिए, इस पे पहला सिंगल क्रोचेट है उसको स्किप करेंगे और जो दूसरा सिंगल क्रोचेट है वहाँ पे हम स्लिप नॉट के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसको पूरा बना के रेडी करना है। फिर से एक को स्किप करके दूसरे के ऊपर स्लिप नॉट और फिर से इसको टर्न करके 10 सिंगल क्रोचेट। तो चलिए इसको फटाफट से बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बना के इसको रेडी कर लिया है, ठीक है। इस तरह रेडी करने के बाद अभी हम इसको ज्वाइन करेंगे, दोनों साइड को एक साथ ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से हम फटाफट से इसको ज्वाइन करके रेडी कर लेंगे। देन दूसरा वाला जो हाथ है उसको भी मैं सेम तरीके से बना के यहाँ पे रेडी कर लूँगी। फिर इसका जो नेक पार्ट है और इसका जो बॉर्डर पार्ट है उसको हम बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेते हैं।
तो देखिए इसको बना के रेडी कर लिया है। अभी इसका हम जो नेक पार्ट है और जो बॉर्डर वाला पार्ट है उसको बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है और नेक पार्ट है इसको हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे, देन हमारा जो कार्डिगन है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, पहले बॉर्डर पार्ट बना लूँगी मैं यहाँ पर। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैं 14 चेन लूँगी, यहाँ पर मैं टोटल 14 चेन लूँगी। चौदह चेन लेने के बाद अभी मैं इसको क्या करूँगी, ये जो हमने एक्स्ट्रा दो चेन लिया है इसको डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे, ठीक है इसको। देन अभी जो तीसरा चेन है उसमें से मैं एक एक करके डबल क्रोचेट बनाती जाऊँगी, ये देखिए इस तरह। तो टोटल यहाँ पे 14 डबल क्रोचेट होगा, हर एक चेन के अंदर एक एक करके डबल क्रोचेट बना लेंगे इस तरीके से। हर एक के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए इस तरह मैंने यहाँ पे टोटल बना लिया है, बना के रेडी कर लिया है। देन अभी हम इसको क्या करेंगे, फिर से एक चेन लेंगे और इसको टर्न कर देंगे। टर्न करने के बाद हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर ये देखिए जो बैक लूप है उस साइड में हम एक एक करके सिंगल क्रोचेट बनाते जाएंगे। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके सिंगल क्रोचेट बना लेंगे। ये देखिए 14 सिंगल क्रोचेट बनाने के बाद अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, तीन चेन लूँगी, इसको डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे, देन इसको टर्न करेंगे, हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट बना लेंगे फिर से, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसको कंटिन्यू करते जाना है जब तक आपका जो कार्डिगन है उसके बॉर्डर आपको कम्प्लीट ना लगे, तब तक आपको इस तरीके से सेम तरीके से बनाना है। एक डबल क्रोचेट का राउंड, देन एक चेन, इसको टर्न करेंगे और सिंगल क्रोचेट का एक राउंड, देन फिर से तीन चेन और फिर से डबल क्रोचेट का एक राउंड, ठीक है। इसी तरीके से इसको हमें कंटिन्यू करते जाना है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। और जो गले का जो हिस्सा है उसको हमें क्या करना है, सेम तरीके से बनाना है, बस उसको कम करके बनाना है, ठीक है। इसमें हमने 14 यानी 14 हमने यहाँ पे चेन लिया था, उस पर आप 7 ले सकते हो या 9 ले सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से सेम तरीके से हमें उसको भी बना के रेडी कर लेना है। ये देखिए इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करते जाना है। जो बॉर्डर वाला पार्ट है यहाँ पे, ये देखिए ये इस तरीके से ज्वाइन होगा, और जो गले का हिस्सा है वो भी सेम तरीके से बना के रेडी कर लेंगे, बस उसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे। आप चाहो तो सेम बड़ा रख सकते हो, पर मैं गले का जो हिस्सा है उसको थोड़ा छोटा रखूँगी और ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसको थोड़ा बड़ा रखूँगी। गले का साइड इस तरीके से बनाऊँगी थोड़ा छोटा। तो चलिए इसको बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो गले का हिस्सा है ये वाला और ये जो है बॉर्डर के लिए मैंने यहाँ पे बना के रेडी कर लिया है अपने कार्डिगन के साइज़ के हिसाब से। तो चलिए इसको हम अभी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगी, डबल क्रोचेट का दो राउंड बना लूँगी यहाँ पे। ये देखिए ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है यहाँ पर हम डबल क्रोचेट का दो राउंड बनाएंगे। यहाँ पर मैं ज्वाइन कर लूँगी इसको एक स्लिप नॉट के साथ इस तरीके से। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे मैं तीन चेन लूँगी और उसको डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे। यहाँ पे मैं तीन चेन लूँगी, एक दो तीन, ठीक है। इसको डबल क्रोचेट की तरह पकड़ेंगे और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पे देखिए एक एक करके हम डबल क्रोचेट बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं ये जो डबल क्रोचेट का राउंड है इसको मैं दो बार बना के रेडी करूँगी, हर एक के ऊपर एक एक करके डबल क्रोचेट इस तरीके से बनाते जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने दो राउंड बनाया है डबल क्रोचेट का, और अभी हम ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो इसको ज्वाइन करने के लिए ये देखिए ये वाला, ठीक है, बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये देखिए इसका भी ये फ्रंट साइड है और ये बैक पार्ट है। तो दोनों फ्रंट साइड को हम एक साइड रखेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम ज्वाइन करते जाएँगे सिंगल क्रोचेट के साथ। यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, ये देखिए ये फ्रंट साइड है, तो इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे और फिर हम इसको
सिंगल क्रोचेट के साथ एक एक करके ज्वाइन करते जाएंगे पूरा बॉर्डर को। ये देखिए इस तरीके से ये जो कर्डिगन है ये बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस आपको जो ग्रेनी स्क्वायर है उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये बहुत ही इजी है, हर कोई इसको बना सकता है। इस सर्दी में आप इसको बना के पहन सकते हो, ये बहुत ही खूबसूरत होता है दिखने में भी। ये देखिए इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे पूरा बॉर्डर को, मैं कार्डिगन के साथ इस तरीके से ज्वाइन करके रेडी कर लूँगी। ये कुछ इस तरह दिखेगा, ये देखिए ये फ्रंट साइड होगा। तो चलिए इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। तो सेम तरीके से अभी हम क्या करेंगे, जो गले का जो हिस्सा है उसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट जो गले के लिए हमने बनाया था इसको भी हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए फटाफट हम गले को भी ज्वाइन कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरा कार्डिगन का जो लुक है वो दिखा देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।